दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो, यानी कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करते हो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो आपने परचेज वाउचर की एंट्री करते वक्त या फिर सेल वाउचर की एंट्री करते वक्त एक प्रॉब्लम आप जरूर फेस कर रहे होंगे, वो है ट्रैकिंग नंबर का लेके। तो दोस्तों, जैसे हम परचेज वाउचर या फिर सेल वाउचर की एंट्री पास करते हैं, हम नेम ऑफ स्टॉक आइटम के अंदर हम आइटम का जैसे हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो ये आइटम एलोकेशन के अंदर हमारा लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर की एक विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी ट्रैकिंग नंबर यूज करती है तो ये विंडो आपको इनेबल रखनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आपकी कंपनी इसका यूज नहीं करती तो ये विंडो आपके लिए कोई काम की नहीं है। इसी की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आ जाती हो और आपका टाइम भी खराब हो जाता है एंट्री पास करते वक्त। तो आप चाहते हो कि हम इस विंडो को, यानी कि इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दें ताकि हमें ये बार बार प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी को ही डिस्कस करेंगे भी इसको हम किस प्रकार से डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि टेली ईआरपी 9 के अंदर ट्रैकिंग नंबर को डीएक्टिवेट करने का तरीका अलग था, लेकिन टेली प्राइम के अंदर इसका तरीका तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम टेली प्राइम की हम बात करेंगे भी इसको हम किस प्रकार से डीएक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो भले ही छोटा सा हो सकता है लेकिन आपके काफी काम के, काफी टाइम आपका बच सकता है वाउचर की एंट्री पास करते वक्त। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट करना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, ये ट्रैकिंग नंबर का जो ऑप्शन है ना, ये आप चाहे परचेज वाउचर की एंट्री करो चाहे आप सेल वाउचर की एंट्री करो, तो दोनों में अंदर जैसे हम स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये आपको दोनों के अंदर ही दिखाएगा। तो वैसे तो ये ट्रैकिंग नंबर का यूज कंपनी लेवल पे यूज किया जाता है, जहां पर परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, यानी कि सभी टाइप के वाउचर को यूज किया जाता है। तो अगर आपकी कंपनी इसका कोई यूज नहीं करती है ट्रैकिंग नंबर का, यानी कि आप परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर का यूज नहीं करते, डायरेक्ट परचेज से नहीं करते हो, तो इस ऑप्शन को हमें डिसेबल कर देना है। तो टेली ईआरपी 9 के अंदर क्या होता, जैसे ये विंडो आती थी तो हम क्या करते थे, F12 पे जाके इसको डिसेबल कर देते थे, या फिर सेल वाउचर या फिर परचेज वाउचर पर रहते हुए इस वाउचर को जैसे हम F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो ये इसको डीएक्टिवेट करने का कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहीं भी ऑप्शन नहीं है टेली प्राइम में। तो हम करेंगे इसको डीएक्टिवेट। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे टेली पे आके आपको एल्टर प्रेस करना है, उसके बाद में वाउचर टाइप, और इस वाउचर टाइप के अंदर हमारे जितने भी वाउचर हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज़ करते हैं वो सभी हो जाएंगे। लेकिन अब इसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे डिलीवरी नोट, तो डिलीवरी नोट आप देखोगे जैसे हम इसको ओपन किया तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो ये आपके पास यस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नो करना पड़ेगा। नो करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से मटेरियल इन, तो ये मटेरियल इन का भी ऑप्शन आपके पास यस है, तो इसको भी नो करेंगे। तो इसी तरीके से मटेरियल आउट, ये भी आपके पास नो है, यस है, तो इसको हम नो करेंगे। और उसके बाद में हम चलते हैं परचेज ऑर्डर पे, परचेज ऑर्डर ऑलरेडी आपका नो है, और उसके बाद में आपका रिजेक्शन नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन इन भी आपका यस है, तो हम इसको नो करेंगे। तो यानी कि ये जो हमारे परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी वाउचर हैं जिसका हम यूज नहीं करें उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अब वापस एक बार इसको हम चेक करते हैं परचेज और सेल वाउचर दोनों में। सबसे पहले हम सेल वाउचर में सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया। अब आप देखो जैसे हमने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया ये डायरेक्ट क्वांटिटी पे आ गया, यानी कि वो ऑप्शन अब सेल वाउचर में नहीं है। तो अगर आपका सेल वाउचर में नहीं है तो वो ऑप्शन आपका परचेज वाउचर में भी नहीं आएगा, एक जगह से अगर वो डीएक्टिवेट होगा तो सभी जगह डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी कि जो इस टाइप के जो वाउचर है उन सभी को हमें डीएक्टिवेट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा एंट्री पास करते वक्त टाइम है जो बच जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।